एनएसके में पहुंच गए हूँ, ये आपको मैं बता, तो इसकी ये बैक साइड है, फ्रंट साइड में नहीं गया क्योंकि गाड़ी होती तो फिर बंदा फ्रंट साइड से जाए, तो ये मैं बैक साइड से आया हूँ एनएसके जी। ये कार पार्किंग है बैक साइड की, और ये जी एनएसके एंट्रेंस है, ये सारी आप देख रहे हैं कार पार्किंग। तो आज ही मैंने आपको बताना है कि प्राइस क्या है मलेशिया की खाने की चीज़ों की, प्राइस क्या है, तो मैं आपको प्राइस बताऊंगा। ये तो देखकर मेरी गाड़ी का पार्ट टू है, और अंदर जी इंटरेस्ट होने से पहले ये छोटी छोटी आपको दुकानें देखने की लगेंगी, ये छोटी सी दुकानें हैं, अभी तो रमज़ान है ना इसलिए आधी दुकानें बंद हैं और आधी दुकानें ओपन हैं, आधी शॉप्स ओपन हैं। तो ये ऊपर है, ऊपर एनएसके, इसके जो ऊपर फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर वहाँ पे एनएसके, ये ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको ये मसाज सेंटर मिल जाता है जो कि आप इसमें पैसे डालती हैं, इधर लिखा होगा कितने पैसे, मैं आपको साथ बता देता हूँ कि कितने पैसे, वेलकम वेलकम लिखा हुआ है, अच्छा कितने पैसे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, हाँ जी दो रेंगेट में 8 मिनट, मतलब पाकिस्तानी 85 रुपये में, 85 रुपीज़ पाकिस्तानी आपको सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट की मसाज होगी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रेंगेट 8 मिनट। तो आप इधर बैठ जाइएगा, अपने शोल्डर्स आप इधर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपने आपके पाँव आ जाएंगे इसके बीच में, और फिर ऐसे मसाज, अभी देखिए काला बैठा हुआ है मसाज कर रहा है, ये चीज़ है। चलें जी आपको लेके जाते हैं, तो ये जी देख सकते हैं आप एनएसके के जो नीचे जो ऊपर बड़ी मार्केटें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, और ये जी ये ऊपर जा रहा है एनएसके की तरफ, ये जो मार्केट है, और यहाँ से मैं एक निकाल लेता हूँ, एक मिनट वेट कीजिएगा। तो ये जो ट्रॉली ले ली हमने और ये इसके ऊपर रख दिए इसे, ये ट्रॉली एनएसके, इन ट्रॉली के इस पे नाम लिखा होता है, और ये अगर आराम से ये जो आपके जो कमर्शियल जो इनके जो नजर आ रहे हैं, ये MRDIY, ठीक है जी, ये मिस्टर DIY है, यहाँ पे भी आपको अच्छी चीज़ें, सस्ती चीज़ें मलेशिया में यहाँ पे भी आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, पर जो सबसे सस्ती जो चीज़ें हैं वो आपको एनएसके में मिलती हैं, एक सेकंड नंबर पे उससे सस्ती फिर आपको टेस्को में मिलती हैं। ये सारी मैं मार्केटों के नाम ले रहा हूँ जो कि मलेशिया में पूरी हर सिटी में हर तरफ हैं, और टेस्को के बाद फिर नंबर आता है जायंट का, और सबसे फिर इससे भी सस्ती जो आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको मिलती हैं 99 स्टोर पे, जो सुबह 9 से लेके रात के 9 बजे तक खुला रहता है, उसको 99 कहते हैं, 99 सुपर मार्ट है वो छोटा सा। तो वहाँ पे आपको 99 में बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, ये देख रहे हैं आपको बहुत सस्ते शैम्पू और ओरिजिनल शैम्पू आपको मिलते हैं यहाँ पे, जो कि सिंगापुर और यूरोप और मलेशिया के मेड ब्रांड है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने स्कैन करनी है, स्कैन के बाद फिर हमने अंदर जाना है, आपको मैं बताता हूँ। ये जी सबसे पहले स्कैन करते हैं, ये जी स्कैन कर लिए, अभी मैडम बैठी हैं यहाँ पे, तो अभी ये जाएंगे अंदर, और आप देख रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ पड़ी है, आगे फिर मैं आपको इसकी प्राइसेस बताता हूँ, चलते हैं पहले इंटर होते हैं क्योंकि मेरे पीछे रश लग जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे जी इसकी स्वीट से जो जैसे बिस्किट होते हैं, ये आपको मैं बिस्किट का भी रेट बता देता हूँ, ये देखें ये बिस्किट्स हैं, ठीक है जी, ये बिस्किट्स का 1 बॉक्स है जो तो जी ऐसे कि हम 7 अभी मैं
अभी मैंने वॉशिंग पाउडर लेना था अपने घर के लिए, तो ये वॉशिंग पाउडर। अच्छा आपके देखिए यहाँ पे हर तरह का ब्रांड आपको मिल जाता है, जो कि सर्फ एक्सल है वो भी आपको मिल जाता है, और एरियल भी आपको मिल जाती है, दिया भी आपको मिल जाता है, मतलब ये पाकिस्तानी ब्रांड भी और इंडियन ब्रांड भी, और हर ब्रांड आपको यहाँ पे आराम से मिल जाता है, ठीक है। और मैंने अपने घर के लिए लेना था तो मैंने कहा चले एक मरतबा लेता हूँ, क्योंकि मैं एक मरतबा लेता हूँ फिर मैं 15-20 दिन के बाद लेता हूँ। और ये जी ले लिया 5 kg का, ये लेवेंडर है, लेवेंडर इसकी स्मेल जो होती है लेवेंडर है, तो बहुत अच्छा होता है इसकी जो खुशबू है। तो चलते हैं जी आगे, बस और नहीं लेना चीज़ें। और अच्छा ये तो मैंने आपको इसकी प्राइस नहीं बताई, तो मैं आपको इसकी प्राइस ही बता देता हूँ। तो जी इसकी प्राइस है खैर के साथ 20 रेंगेट लगाए, तो 20 रेंगेट जी हो गया तकरीबन बन रहे हैं 1000, 1000 का पाकिस्तानी 1000 का 20 रेंगेट बन रहे हैं। तो जी ये 1000 का पाकिस्तानी सर्फ है। अच्छा जी इसके बाद आगे जी आगे और क्या लेना है, नहीं और कुछ भी ले लेना। अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ, ये देखिए जी ये जो ये डिश वॉशिंग साबुन है जो ये आपको मिल जाता है, आपको मिल जाता है। उसके बाद आ जाते हैं और ये देखें जी, ये तो खैर आपको पता होगा पाकिस्तान में भी है, और ये जो है जी इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस आपको मिल रही है ये जी 1500 रुपये पाकिस्तानी, 1500 रुपये आपको पाकिस्तानी का ये मिल रहा है एक पैक। अच्छा जी इसके बाद आ जाते हैं ये, और ये आपको मिल रहा है 200 रुपये का। उसके बाद मैंने एक छोटा सा बर्तन लेना था अपने लिए, जो कि मैंने जो मेरे खैरात वगैरह देता होता हूँ, तो मैंने उसको यूज़ करने के लिए, वो पकाने के लिए जो मैं अपने मस्जिद में और वो मैं अभी इधर आया, मैंने कहा वो भी मैंने देना है, क्यों देना चाहिए। तो आज मैंने वो देना है, तो मैं इसलिए मैं पतीला भी देखता हूँ कि कोई अच्छा सा कोई इतना सा पतीला हो कि जिसमें आराम से मेरे छोटे मोटे चावल बन जाए और भी आराम से दे सकूं। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं देखता हूँ जी। हाय हाय किस सखवानी याद आ गई है जी, किस सखवानी का, हम भी इसी का ही काम करते थे। इसमें आ जाते हैं आपके तकरीबन 4 किलो चावल आते हैं, 4 किलो चावल, ये 38 है, 38 cm है, तो इसमें 4 किलो चावल आते हैं। मुझे इससे भी बड़ा चाहिए,